सा हिंट दे दिया कि किस कॉन्टेक्स्ट पे अब हम डिटेल में बातचीत करेंगे। जी हाँ, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन बना है और ट्रिगर पॉइंट यही है कि टाटा सन्स का आईपीओ जल्दी आता हुआ दिखाई देगा। तो 1 से 1.5 साल में दरअसल अनुमान जताया जा रहा है कि टाटा सन्स की लिस्टिंग होती हुई दिखाई देगी, इसी पर फोकस करेंगे। और 2 दिन पहले जब वो टाटा मोटर्स के बिजनेस डीमर्जर की बात आई थी, उस टाइम हिंट दरअसल हमने ले लिया था हेमांग से ही, इसीलिए उनको आमंत्रित किया है कि डिटेल में बैठकर इसकी अब चर्चा करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर किस तरह की वैल्यूएशन अनलॉक होगी, इसकी खूब चर्चा हो रही है। सुमित वो डेटा पॉइंट्स आपके सामने करेंगे पहले पेश, और फिर हेमांग से बात करेंगे कि मौका कितना जोरदार बन सकता है टाटा ग्रुप में पैसे लगाने का। तो टाटा सन्स का एक मेगा आईपीओ, और उस मेगा आईपीओ के इम्पैक्ट तमाम ग्रुप कंपनीज के अंदर हमने आता हुआ देखा है। एक बड़ा आईपीओ आ सकता है और टाटा सन्स का आईपीओ ला सकता है टाटा ग्रुप। इस आईपीओ के लिए 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है, लेकिन 1 से 1.5 साल के अंदर एक बड़ी वैल्यू लॉकिंग इस ग्रुप के अंदर होते हुए दिखाई पड़ सकती है। एक मोटा मोटा एस्टिमेट कहता है करीब करीब 8 से लेकर 11 लाख करोड़ के आसपास ग्रुप की, इस आईपीओ की जो ओवरऑल वैल्यू रहेगी, इस कंपनी की जो ओवरऑल वैल्यू रह सकती है, और आईपीओ का साइज करीब करीब 55,000 करोड़ रुपए के आसपास आने का अनुमान लगाकर चला जा रहा है। इस ग्रुप में जो टाटा सन्स के निवेश की वैल्यू है वो करीब करीब 16 लाख करोड़ रुपए का एक मेगा इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रखे हैं। कुछ कंपनियां जिनकी क्रॉस होल्डिंग्स हैं उसमें टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल, टाटा पावर और इंडियन होटल, ये 4 ऐसी कंपनियां हैं जिनकी क्रॉस होल्डिंग है टाटा सन्स के अंदर। एक एक करके आप पहले आईपीओ का जो पूरी कंपनियों के शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आपके सामने आएगा, जहां पर टाटा सन्स की शेयर होल्डिंग में देवराबजी टाटा ट्रस्ट की करीब 28%, रतन टाटा ट्रस्ट की 24%, अन्य ट्रस्ट की 14%, स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट की 9%, साइरस इन्वेस्टमेंट की करीब करीब 9% है। अब कुछ वो कंपनियां जो कि लिस्टेड है और टाटा सन्स के अंदर हिस्सेदारी रखती हैं, टाटा मोटर्स करीब 3% के आसपास की हिस्सेदारी रखता है, टाटा केमिकल 3% की हिस्सेदारी रखता है, टाटा पावर 2%, इंडियन होटल 1% और अदर कंपनीज में करीब करीब 7% अदर में आते हैं जो कि हिस्सेदारी रखते हैं टाटा सन्स के अंदर। किस तरह का मेगा इंपैक्ट होगा और सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन होगा? पहला आता है टाटा केमिकल, जो कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। क्यों? 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है टाटा केमिकल की, और जो टाटा सन्स में हिस्सेदारी है इस कंपनी की उसकी वैल्यू करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी कि इस मार्केट कैप का 66% हिस्सा बतौर इन्वेस्टमेंट टाटा केमिकल के पास है। टाटा पावर करीब 1.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की, टाटा सन्स में जो हिस्सा है उसकी वैल्यू करीब 12,500 करोड़ या 13,000 करोड़ रुपए के आसपास हिस्से की मार्केट कैप, यानी कि कुल हिस्सा इनकी मार्केट कैप का करीब करीब 10% के आसपास का हिस्सा ओन करता है। टाटा मोटर्स करीब 3.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, टाटा सन्स में हिस्से की वैल्यू 19,800 करोड़, क्योंकि 3% स्टेक है इनका, जो कि कंपनी की मार्केट कैप का महज 6% के आसपास है। और चौथा नाम है इंडियन होटल, जो कि करीब 82,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप रखता है, टाटा सन्स में इनका 1% स्टेक है, 8,700 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू है, और हिस्सा इनकी ओवरऑल मार्केट कैप का 11%, यानी कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी टाटा केमिकल है जिसका 66% इन्वेस्टमेंट वैल्यू है टोटल मार्केट कैप का। तो एक अच्छी डीप वैल्यू वहां पर दिखाई पड़ रही है, जिसकी वजह से एक बढ़िया जोरदार तेजी स्टॉक में हम ऑलरेडी देख रहे हैं। ये टाटा केमिकल्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है और इसमें वो पूरा कन्वर्जेंस और कन्फ्लुएंस जो है ना वो सब यूज हो रहा है। ये देखिए, चार चार लाइनें एक साथ यहाँ पर इकट्ठी एक ही जगह पर आ रही हैं। कोविड के टाइम से जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है वहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और 20, 50 और 100 वीक मूविंग एवरेज क्रॉस करने की तैयारी हो रही है। टाटा केमिकल्स ने एक जो आयन बैटरी रिसाइकलिंग ऑपरेशंस लॉन्च किए थे, तो इसकी वजह से मतलब तो ये एक रीज़न है कि टाटा केमिकल्स, अब ऑब्वियसली हम इसको केमिकल्स में गिनते हैं, लेकिन इसका मेन जो रीज़न रीरेटिंग का, आज की जो रीरेटिंग का, वो इसीलिए क्योंकि टाटा मोटर्स काफ़ी क्लोजली कोरिलेटेड स्टॉक है। टाटा केमिकल्स वापस लेकर आइए, डेज हाई पर जाकर बंद हो रहा है ये स्टॉक 13% के गेंस के साथ। अब ये तो कल से ज़्यादा आज चल गया, कल भी चला था लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त तेज़ी में टाटा केमिकल्स चला। पहले टाटा केमिकल को लेकर आइए, करीब करीब 3 दिनों के अंदर ये 35% के आसपास का शानदार रिटर्न दे चुका है। सबसे पहले मंगलवार के दिन इसको हमने स्पॉटलाइट में इसका जिक्र किया था अनुज ने, और वहां से शेयर ने जो रफ्तार पकड़ी है वो आपकी स्क्रीन पर है। तो
फिफ्थ को टाटा मोटर्स के डीमर्जर का अपडेट आया, फिफ्थ को ही चार्ट पर वो स्टॉक भागने लगा और फिफ्थ को ही हमारी बातचीत हुई थी फोन पर हेमांग जानी से। हेमांग जानी आज हमारे साथ। हेमांग, उस दिन आपने थोड़ा सा हिंट ड्रॉप किया था, लेकिन तीन सत्रों में ये स्टॉक का 35% बढ़ जाएगा, आई डोंट थिंक किसी ने गेस किया होगा। अब आप मुझे बताइए, आप कैसे वैल्यू करेंगे डिस्पाइट दिस बिग गेन टाटा केमिकल्स को, और बाकी टाटा ग्रुप कंपनियों पर बाद में आते, लेकिन टाटा केमिकल्स जो सबसे ज्यादा दरअसल फोकस में है। इनफैक्ट जो टाइमिंग था हमारे डिस्कशन का वो काफी अच्छा था, और उसके बाद एक बहुत बड़ी हमने स्पाइक देखी। और बेसिकली दो कारण थे, एक तो यही जो टाटा सन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है टाटा केमिकल्स की, उसकी जो वैल्यू है उसके साथ आप मार्केट कैप को कंपेयर करोगे तो करीबन लगभग 74% आती है, क्योंकि स्टॉक बढ़ चुका है तो ये थोड़ी सी कम हो चुकी है, पहले 80% थी अभी लगभग 74% है। दूसरी बात जिसके बारे में मार्केट में इतनी ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं हो रही है कि जो अनलॉकिंग है या जो ये जो डी मर्जर और टाटा सन्स का लिस्टिंग होगा, और जो होल्डिंग है टाटा केमिकल के पास, बाकी की भी 4 से 5 टाटा कंपनीज की होल्डिंग है, चाहे वो टाइटन हो, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ओरिएंट होटल्स और इंडियन होटल्स, इसकी अगर आप वैल्यू आज की तारीख में निकालें तो करीब 89 रुपीज होती है, जो इतनी बड़ी नहीं है कंपेयर टू जो टाटा सन्स का जो इम्पैक्ट है बहुत बड़ा है, पर ये भी एक है, सिंप्लीफिकेशन होता है तो कहीं ना कहीं 90 रुपीज का जो इन्वेस्टमेंट है बाकी की टाटा ग्रुप कंपनीज में, उसका भी कहीं ना कहीं फायदा टाटा केमिकल को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से मार्केट डेफिनेटली एक सेंस कर रहा है कि ये चीज होगी, उसकी टाइमिंग पता नहीं है वेदर इट विल हैपन इन 1 ईयर, बट मार्केट हैज स्टार्टेड सेंसिंग दैट और उसके हिसाब से एक मूवमेंट हम देख चुके हैं। मेरे ख्याल से नया बाइंग ये सेम रीजन के पीछे अग्रेसिवली नहीं करना चाहिए, इसको थोड़ा सा सेटल डाउन या कंसोलिडेशन होने देना चाहिए, पर डेफिनेटली मुझे लगता है कि और अपसाइड पोटेंशियल बना रहे। ओके, आप कह रहे हैं और अपसाइड पोटेंशियल बना रहेगा, लेकिन स्टॉक को ऑफ कोर्स अग्रेसिवली चेज ना करें, आपको मौका देगा शेयर तब पोजीशन लीजिए। एक तरफा हमने देखा है 35-40% तक के गेन्स बने हैं, लेकिन सुमित ये भी मेंशन कर रहे थे कि यहाँ पर टाटा पावर का भी कुछ अंश है, कुछ टाटा मोटर्स का भी अंश है, बाकी कंपनियों में भी क्या बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी होती हुई दिखाई देगी जब भी ये टाटा सन्स का आईपीओ आएगा, क्या उससे पहले प्रीएम्प्ट की जा सकते हैं वो मूव्स? डेफिनेटली जो बाकी की कंपनीज है, चाहे वो टाटा पावर हो, चाहे टाइटन हो, टाटा कंज्यूमर हो, काफी सारी कंपनीज में क्रॉस होल्डिंग है, तो उसका हमने एक कैलकुलेशन करने का कोशिश की है, पर उसकी जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ कंपनीज ऑलरेडी मर्ज हो चुकी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट्स है वो टाटा स्टील में ऑलरेडी मर्ज हो चुकी है। अभी मुझे लगता है कि टाटा केमिकल को छोड़ के यही सेम रीजन के पीछे बहुत बड़ा अपसाइड का केस नहीं है, हालांकि टाटा मोटर्स, टाटा स्टील ये दोनों टाटा सन्स के अंदर का स्टेक है और थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि कोई मटेरियल इम्पैक्ट ये कारण से आना चाहिए। ओके, अच्छा टाटा मोटर्स पे आपका हेमंत जी व्यू क्या है? I mean, जितने भी स्टॉक्स का जिक्र हुआ अभी तक, चाहे वो टाटा स्टील का, टाटा मोटर्स का, इन होटल्स का, सब में आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्ग बुक टाटा केमिकल्स में आ चुका है, हम उसको समझ भी चुके हैं, बट केस टू केस अगर चले हम यहाँ से, क्योंकि वो कंपनी इंडिविजुअल एक सेक्टर को बिलोंग करती है, ऑलरेडी उसका जो इम्पैक्ट था वहाँ आ चुका है, एक एक करके केस टू केस चलते हैं। एग्जैक्टली टाटा मोटर्स पर आपका व्यू क्या बन रहा है इस वक्त, क्रॉस होल्डिंग फैक्टर, साथ ही साथ आई थिंक एज ऑफ नाउ जो सेक्टर में स्विंग है ऑटो में उसको देखते हुए, और ये CY23 का सबसे स्मार्ट प्राइस परफॉर्मर है इंडेक्स में, शुमार काउंटर्स में, टाटा मोटर्स पे आपका सेंस क्या कर रहा है इस वक्त? हमारे मोटर में दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो ये जो रिसेंटली कंपनी ने एक प्लान बताया कि जो अलग अलग कंपनी है, सीवी हो गया, पीवी हो गया, इसको और JLR ऑफ कोर्स व्हिच इज पार्ट ऑफ द पीवी, उसको हम अलग से लिस्ट करेंगे, उसमें डेफिनेटली एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिलना चाहिए। सेवी बिजनेस में जो पोजीशनिंग है टाटा मोटर्स की, जो मार्केट लीडर है, तो अशोक लेलैंड को जो मिलता है उससे थोड़ा सा प्रीमियम मिलना चाहिए। पीवी के अंदर भी काफी अच्छा काम कंपनी कर रही है, हालांकि नंबर्स डोमेस्टिक पीवी में इतने बड़े नहीं है, पर
जिस तरह का प्रोडक्ट रोल आउट और इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर पोजिशनिंग है, कहीं ना कहीं उसमें एक अच्छा प्राइस अर्निंग मल्टीपल कंपनी डिजर्व करती है, तो वो लेकिन टाइम लगेगा, वो आज के आज मुझे नहीं लगता कि कुछ होने की पॉसिबिलिटी है। पर ये जरूर है कि जो टाटा सन्स के अंदर टाटा मोटर की स्टेक है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं उसको यहाँ से भी मिल सकता है, तो और मे बी 8-10% अपसाइड पॉसिबल है टाटा मोटर के अंदर। पर जो डी मर्जर 3 कंपनी का है, उसको इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट आते हुए थोड़ा सा समय लगेगा, आते आते समय लगेगा, क्योंकि उसमें ऑफ कोर्स एक साल और जाएगा। लेकिन कमिंग बैक टू टाटा केमिकल्स, क्योंकि वही वो हॉटेस्ट टॉपिक है कॉन्वर्सेशन का, एक ये टाटा सन्स का लिस्टिंग और वहां से वैल्यू अनलॉकिंग एक तरफ, इसके कोर बिजनेस पर आपका आकलन क्या है समय है मांग, वो कितना प्ले आउट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इवेंचुअली वो बिजनेस ही कंपनी के शेयर में आगे और बेहतर रिटर्न देगा। देखिए, कोर बिजनेस के अंदर वो एक कमोडिटीज कंपनी है, और जो सोडा ऐश और जो बाकी की कमोडिटीज है उसकी प्राइसिंग तो इतनी खास नहीं है। इनफैक्ट सोडा ऐश में तो हमने एक करेक्शन भी देखी है, पर कमोडिटी के हिसाब से जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल होना चाहिए, मेरे ख्याल से जो कंपनी को मिलेगा वो जो 10-11-12 के ऊपर मुझे नहीं लगता कि होगा। तो जो अभी एक्साइटमेंट है वो कोर बिजनेस के ऊपर या उसकी अर्निंग्स को लेकर नहीं है, उसका सारा जो एक्साइटमेंट या जो रीरेटिंग है वो ये दो वजह से है, टाटा सन्स की जो होल्डिंग है और जो मार्केट कैप के सामने जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वो इतनी बड़ी है कि मार्केट को लगता है कि अगर आप उसको एडजस्ट करेंगे तो आपको टाटा केमिकल्स लगभग फ्री में मिल रहा है। मेरे ख्याल से एक्साइटमेंट इज ओनली बिकॉज ऑफ ये टाटा सन्स का इम्पेंडिंग आईपीओ। और रफली ये क्या 2025 सितंबर तक होने के आसार हैं या फिर और टाइम लग सकता है, क्योंकि आई थिंक वो आरबीआई की गाइडलाइन कहती कि तब तक हो जाना चाहिए। देखिए अर्शदा, जब भी इस तरह का कोई बात होती है तो उसमें एक रेगुलेटर द्वारा टाइमलाइंस दी जाती है, और क्योंकि टाटा ग्रुप एक बहुत ही वेल रेपुटेड ग्रुप है और वो टाइमलाइंस एडहेर करेंगे, हो सकता है कि थोड़ा पहले भी करें, कभी कभार अगर फॉर्मेलिटीज में समय अगर लग सकता है तो थोड़ा पीछे भी हो सकता है। पर बात यह है कि मार्केट ने आज ही उसको डिस्काउंट करना चालू कर दिया है, तो मैं समझता हूँ कि जो आईपीओ है वो जरूर होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, शायद प्रीपोन भी हो सकता है। प्रीपोन हो जाए तो और सोने पर सुहागा रहेगा, लेकिन सितंबर 2025 जैसे रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है वो डेडलाइन है, और उससे पहले पूरा एक्शन स्टॉक्स में प्ले आउट होना शुरू हो चुका है। हेमांग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे